है। सफीना जो देखो देर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, कराची की बस में सवार हो रहा है, चली तो मुसाफिर उछलने लगे, जो बैठे हुए थे वो उछलने लगे। क्या शायरी लिखी, जब इधर इनका खाया पिया, भाई आना भाई कर दो यार, रियलिटी ऑफ कराची बस, जब तो इनका बोलने लगे खाने। चेक करो छक्का, उई हुई क्लासिकल छक्का मारा यार, क्लासिकल छक्का। बराबर स्कूल की बचपन की यादें ताज़ा करते हुए, वो स्कूल के बाहर जो छोटे छोटे समोसे मिला करते थे। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं भाई अपना आज का ये व्लॉग। इंशाअल्लाह अभी तक आपने हमारा चैनल मोहम्मद सुफियान सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला के रहमत करम शुक्र फजल और उसकी ढेरों के साथ मेरे तो वह करते हैं अपना आज का ये व्लॉग यहीं से शुरू। लेकिन उससे पहले आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो कर लें, और इसके साथ साथ सबसे अहम काम हमारी यूट्यूब फैमिली ज्वाइन कर लें। अब आप पूछेंगे यूट्यूब फैमिली ज्वाइन करने का तरीका क्या है, तो भाई बहुत आसान तरीका, हमारी तमाम वीडियोज़ को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जब करके बराबर वाली घंटी दबा देंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा ना, फिर तो मतलब मज़ा आ जाएगा। तो ये आप यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएंगे और सब को रोजाना डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो भाई आज का व्लॉग अभी शुरू करते हैं। अभी इस वक्त टाइम तकरीबन दोपहर का हो रहा है, 2:15 के करीब का टाइम हो रहा है। तो व्लॉग यहाँ इंट्रो करके शुरू करते हैं। सही है, व्लॉग यहाँ शुरू हो गया है। आपको कुछ खिड़की से बाहर का भी दिखा देता हूँ। बाहर ग्राउंड में मिट्टी वगैरह दली हुई है, ग्राउंड में शायद बनने का काम शुरू हुआ है, तो पता नहीं कब बनेगा। जो भी है बहरहाल उसका मुझे नहीं है, बहरहाल व्लॉग मैंने यहीं से शुरू कर दिया है, बाकी आगे बनाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको। ठीक है भाई, अभी आपका भाई देख रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का लाइव टेस्ट मैच। आपको पता है पाकिस्तान और श्रीलंका का टेस्ट मैच आ रहा है, तो देख रहे हैं यार थोड़ा बहुत बैठ के। इस वक्त पाकिस्तान का जो स्कोर हुआ है वो मैं आपको बताऊँ देख के लिए, तो वो हुआ है तकरीबन 368 हो गया है पाकिस्तान के स्कोर। पाकिस्तान की 8 विकेट्स जा चुकी हैं और श्रीलंका ने बनाए थे 312 रन। तो अब उसे बाहर से आप हिसाब लगा सकते, तकरीबन 56-57 रन की पाकिस्तान लीड बाय कर चुका है। बैठा हुआ था मैंने अच्छा थोड़ा टेस्ट मैच देख लेते, ब्लॉग भी शुरू कर दिया था। मैं चलो ब्लॉग में बता रहा था कि भाई पाकिस्तान और श्रीलंका का टेस्ट मैच है वो देख रहे हैं, देखते कौन जीता है। तीसरा दिन है तो पाँचवें दिन आज कल परसों पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है टेस्ट मैच में। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, देख रहे हैं ना आप, वो चल रहा सामने टेस्ट मैच। रिजल्ट क्लियर नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लियर दिखाने की, लेकिन इतना क्लियर आ नहीं रहा। ये देखें आप देख रहे हैं, ये आ रहा है टेस्ट मैच चल रहा है LED में। सही है भाई, देखो टेस्ट मैच देखते हैं क्या होता है। तो भाई एक तरफ देखा जा रहा है टेस्ट मैच जिसमें अभी स्कोर हुआ है 387/8 यानी 75 रन की लीड बाय हो चुकी है। मैच के साथ साथ ही लिए जा रहे हैं स्लाइस जूस के मज़े। मज़े का कौन कल भी ट्यूशन की छुट्टी, ट्यूशन कब जाओगे? कब जाओगे? कल भी छुट्टी, कितना याद करा याद कितना किया, पानी को छोड़ो याद कितना किया ना। ट्यूशन मदरसे कौन जाया, इतना झूठ बोल रहा है हाँ मदरसे जाओ, मदरसे जाओ, जल्दी उठो मोबाइल दो। क्या मोबाइल दो मदरसे क्यों नहीं गए हैं? क्या इतने चमाट लगेंगे ना, इतने चमाट लगेंगे ना कि तबीयत सही हो जाएगी। जल्दी उठो मदरसे जी, छुट्टी करी आज तुमने फिर हैं गए थे? तो भाई अभी बैठे बैठे भूख लग गई,
तो अभी आम खाते हैं। देखो आम रखा हुआ है, फुल कटा हुआ शटा हुआ आम है, फुल फ्रेश। दिखाऊँ एक पीस, चेक कराऊँ, ये देखो फुल हो रहा है टाइट आम। आम खाते हैं, सामने टेस्ट मैच भी चल रहा है, वो भी देख रहे हैं साथ साथ। अच्छा है आम भी, अच्छा है। नौजवान मेहनती पढ़ते हुए, पढ़े लिखे नौजवान, क्या कर क्या रहे हो, हमें भी दिखा दो यार। हम दोनों राइटिंग कर रहे हैं, ये तो पूरी कर दे। किस चीज की राइटिंग कर रहे हो? सफर हो रहा है, पढ़ के सुनाओ क्या हो रहा है तेरा सफर। नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, जो दामन था दामन बदर हो रहा है। घर बंद गर्दन के सर, कमर बंद गर्दन के सर हो रहा है। सफीना जो देरो देर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, कराची की बस में सवार हो रहा है। चली तो मुसाफिर उछलने लगे, जो बैठे हुए थे वो उछलने लगे, कदम जागे चलने लगे कदम जागे टखनों से वो चलने लगे हैं, जो खाया पिया था वो गलने लगे। तमाशा सरेरा उधर हो रहा है, कराची बस में सवार हो रहा है, जो कुछ यानी कराची की बस में सफर जो हो रहा है उस पर जिक्र है। आगे लिखा जो खुशपोश गेसु सवारे हुए थे, यानी बाल बनाए हुए थे, बहुत माल चेहरे पर मारे हुए थे यानी मेकअप करे हुए थे, बड़ा कीमती सूट धारे हुए थे, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए थे। ओए होए क्या शायरी लिखी, जब भी तो इनका खाया पाया ना, भाई कर दो यार। रियलिटी ऑफ कराची बस, जब भी तो इनका बोलने लगे खाने। सही बोल रहे हैं यार, फुल फनी पोयम है कराची की बस के सफर को पढ़ लेकिन है हकीकत कराची की बस में सफर। माशाल्लाह पाकिस्तान के 446 रन हो गए 9 विकेट के आउट पे, और ये जो सऊद शकील 100 मार दिए भाई, मतलब क्लासिकल इनिंग हो गई, 100 कर दिए, देख रहे हैं आप, 100 हो गई है। 203 रन पे नो डाउट है सऊद शकील, और यहाँ 446 पे 9 पाकिस्तान के आउट हो गए, और इस वक्त पाकिस्तान की लीड बाय है 134 रन। तो देखते हैं बाकी पाकिस्तान कितना स्कोर करता है, डिक्लेयर करता है इनिंग या क्या करता है, पता नहीं हमें, वो तो बाद में पता चलेगा। और ये बोरी बिस्तरा लेके जाने वाला शख्स, ये कराची की बस का सफ़र सुनाया है जिसने हमें, कराची की बस का सफ़र। ओए ओए छक्का मार दिया भाई, छक्का मार दिया भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, अजमीर रहे नहीं घर में, क्या बात है भाई, छक्का मार दिया यार, हम तो बच्चे समझते थे सारे इसको। ये देखो छक्का चेक करो, छक्का उई हुई, क्लासिकल छक्का मारा यार, क्लासिकल छक्का। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान कितना स्कोर करता है, बताते हैं आपको। चेक करो पाकिस्तानियों की, जब ये डबल सेंचुरी हुई सऊद शकील की, देखो अच्छा खेला यार बंदे ने, अच्छा खेला, टाइट खेल गया बंदा, टाइट फुल। चलिए भाई पाकिस्तान की इनिंग्स यहाँ ख़त्म हुई, और लास्ट विकेट ये गई है अबरार अहमद, लास्ट ये लेग स्पिनर है पाकिस्तान के, ये अब आउट हो गए साहब, फुल लंबाई उन्होंने मारने की कोशिश करी है लेकिन ये आउट हो चुके हैं। और पाकिस्तान की पूरी टीम जो आउट हुई है, वो गालिबन जो स्कोर आ रहा है आपको बताता हूँ, 461 का स्कोर आया गालिबन, लेकिन बाकी आपको कन्फर्म बताता हूँ। अभी लिखा हुआ आ जा भाई, ये हेलो करते हुए जा रहा है, 200 बना के नॉट आउट, और ये पूरा क्राउड बोल रहा हूँ, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया जी, क्लैपिंग, आपको शाबाश है भाई, हम सब ये करेंगे ना यार, क्या ये तो होगा ना, अच्छा खेलेंगे तो होगा, वही चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के स्कोर में, खाली 461 पाकिस्तान ने जो है ना वो बनाया, और 149 रन की लीड बाय पाकिस्तान ने श्रीलंका पर कर दी। अब श्रीलंका को पहले 149 रन बनाने, और उसके बाद श्रीलंका जो रन बनाएगी तो वो पाकिस्तान के लिए टारगेट होगा। और अगर श्रीलंका 149 रन तक आउट हो गई पूरी टीम, तो पाकिस्तान ऐसे ही ये टेस्ट में जीत जाएगा, यानी पाकिस्तान इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अब देखते हैं क्या होता है, ये देखें 461 पे पाकिस्तान आउट हो गया कंप्लीट, अब्दुल्ला शफीक 19, इमामुल हक 1, शान 39, बाबर 13, शकील 208, सरफराज 17, आगा 83, नुमान 25, शाहीन 9, नसीम 6, अहमद अबरार अहमद 10, जो आखिर में आउट है 461। तो बहरहाल अब जब दोबारा श्रीलंका की बैटिंग शुरू होती है तो बताते हैं आपको। आपका भाई चला गया था फ्रेश होने, तेरह में आपका भाई फ्रेश होके आया, तो श्रीलंका की टीम बैटिंग पर आ गई थी, और उन्होंने 22 बॉलों में 3.4 ओवर में 14 रन बना लिए थे,
विकेट कोई नहीं गई, लेकिन अब डे थ्री स्टम्प्स हो गया, यानी डे थ्री का खेल यहाँ ख़त्म हो गया। अब कल श्रीलंका बैटिंग पे आएगी, डे फोर में दोबारा यहीं से शुरू करेगी जो स्कोर श्रीलंका ने बनाया है। तो अब कल देखते हैं क्या होता है। मरहाल अभी मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, असर का टाइम हो चुका है, तो असर की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद मिलता है। वही स्कूल की बचपन की यादें ताज़ा करते हुए, वो स्कूल के बाहर जो छोटे छोटे समोसे मिला करते थे, और ये समोसे अब हाथ में आए, आज 2 रुपए का भी एक मिला है, और पहले 1 रुपए के 2 मिलते थे ना। अब ले जो स्कूल था ना वो ख़त्म हो गया, स्कूल के बाहर मिलते थे, स्कूल नहीं था जहाँ पढ़ते थे, ख़त्म हो गया, मिलते थे। दूसरा चिप्स जिससे आपने लिया वो तो सामने लगा पूछा था कि उसकी खाई है, यानी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं दोनों। वाह, तो भाई अभी फिंगर चिप्स आई है यार, फिंगर चिप्स की पार्टी चल रही है। क्या कहे तो कंपटीशन करना सही है गलत है? गलत है तो तुम्हारे हिसाब से अजमीर गलत है? आप भी बताओ कमेंट्स में गलत है या सही है। मैं अब तक चुप सा रहा हूँ। अब करते हैं भाई अपना आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड, और खाना छाना तो मैंने खा लिया रात का, और उससे पहले कुछ एक दो काम तो निपटा लिया। आज आपके भाई ने आपको कराची के ऊपर, कराची की जो बसों का सफ़र है ना, वो पुराने ज़माने की 4J और वो 4K और वो और किस्म की बसें, नाम भी भूल गया मैं भी, मुझे नाम सबके नहीं आ रहे, तो उसका सफ़र, वो बसों की छत पर बैठ के जाना, वो लटक के जाना, वो बसों को बजाना धप 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 कंडक्टर का, वो पैसों के लिए चिल्लाना भाई 20 रुपये 20 रुपये, वो बचपन की सारी यादें। तो कराची के बस का जो सफ़र, जो उसकी मुश्किलात, और जो उसमें होता है ना कि बैठे जो मेकअप करके तो मेकअप धुल गया उनका सारा गर्मी से, मतलब बड़े जो इन्होंने बाल बनाए वो तेल शेल लगा के तो सारे बाल ख़राब हो गए, वो लड़ लड़ क्योंकि वो एक ही बस में सब खड़े में बैठे हैं, मतलब अजीब ही खिचड़ी पकी होती थी। तो आज आपको कराची के बस के सफ़र के ऊपर शायरी सुनाई दिखाई बल्कि, और उसके साथ साथ आज क्या कर हमने, और हमने आज पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट में जो चल रहा है उसका डे थ्री हमने देखा, तो कुछ उस बारे में बताते रहे, देखते गए दिखाते गए आपको, देखते हैं आया कल क्या होता है, कल श्रीलंका क्या स्कोर करती है, अल्लाह करे पाकिस्तान 149 के अंदर अंदर ही आउट कर दे, तो पाकिस्तान को बैटिंग ही नहीं करनी पड़ेगी, पाकिस्तान जीत जाएगा। और अगर श्रीलंका इसके ऊपर जाती है तो देखते हैं, बहरहाल लेट्स सी कल क्या होता है, अल्लाह करे जो भी हो बस पाकिस्तान जीत जाए। और इसके साथ साथ कुछ खाया पिया तो आपको बता दिया, चिप्स और कुछ आज, हाँ आज स्पेशल बचपन की 2 यादें ताज़ा हुई, एक तो वो कराची के बस का सफ़र, मतलब वो मुझे याद है हम स्कूल जाते थे, वो जाते थे तो वो दिखती थी, अब तो फिर बसें कम हो गई, लेकिन पहले बहुत था यार। और वो छोटे वाले समोसे, उसमें अंदर कुछ नहीं, वैसे पापड़ी होती है और वो साथ लाल चटनी होती है, हम स्कूल के बाहर खाया करते थे, तो उस वक्त 1 रुपये के 2 आते थे, और अब ये 2 रुपये का 1 आया आज। तो बराली अजमीर अहम लिया जाए तो मैंने ही मंगा लेते, मैंने भी खा लिए थे। तो बहरहाल ब्लॉग एंड करते सही भाई, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाए। आप पूछेंगे तरीका क्या है, तो भाई बहुत आसान तरीका है, हमारा चैनल मोहम्मद सुफियान जो है इसको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, हमारी तमाम वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, तो जल्दी ही सारे काम कर लें, यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो कर लिएगा सही भाई। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।